वेलकम बैक एवरीवन, लकी वर्ल्ड की एक और फेस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे जेब्रोनिक्स का 4.1 एक होम थिएटर का फुल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। तो यह है इसका बॉक्स, इसका जो मॉडल नंबर है जेब जेन 4 BTRUCF, ये इसका मॉडल है। ये 4.1 में बेस है और यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है हाईलाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हाईलाइट है, जो इसका सैटेलाइट स्पीकर का जो लेंथ है वो ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ ब्लूटूथ कंफर्टेबल है, USB को सपोर्ट करता है, SD कार्ड को सपोर्ट करता है, FM इसमें इनबिल्ड आपको मिलता है, ऑक्स केबल भी सपोर्ट करता है, छोटा सा एक LED डिस्प्ले मिलता है जिसके ऊपर आप सारा फंक्शन जो है देख सकते हैं, ग्लॉसी फिनिश, रिमोट कंट्रोल, एंड जो सबवूफर है वो 5 इंच का है। तो पीछे की तरफ आपको फुल स्पेसिफिकेशन यहाँ को देखने को मिलता है। तो इस स्पीकर में हमको टोटल जो आउटपुट है वो 60 वाट का मिलता है, जो मेन सबवूफर है 5 इंच का वो 20 वाट का आउटपुट आपको देता है, और जो चार सैटेलाइट स्पीकर है वो 10 वाट का है। तो टोटल आपको 60 वाट आउटपुट देखने को मिलता है। तो आपको इस होम थिएटर में जो USB पोर्ट मिलता है उसमें आप 32 GB का SD कार्ड या पेन ड्राइव ही यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो 32 GB ही है। तो इस होम थिएटर में आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है। प्राइस यहाँ पे मेंशन जो है 4,399 रुपीज़ है। तो चलिए इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं और सेटअप करके हम दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स कंटेंट जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको चार सैटेलाइट स्पीकर, एक मेन सबवूफर और एक ऑक्स केबल और एक रिमोट कंट्रोल और एक छोटा सा यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। तो यूज़र मैनुअल का ज़रूरत नहीं, हम आपको सारा कुछ दिखा देंगे यहाँ पे कैसे सेटअप करते हैं। तो ये है मेन सबवूफर, ब्लैक है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, कुछ बटन्स मिलता है, बटन्स जैसे कि ये मोड बटन है, इक्विलाइजर के लिए है, ये रिपीट, और यहाँ पे प्ले पॉज, नेक्स्ट और प्रीवियस। तो ये वॉल्यूम है मेन और ये जो बेस कंट्रोलर है। और यहाँ पे आपको 5 इंच का ऊपर देखने को मिलता है, आप सामने से ही देख सकते हैं। और ये चार सेटेलाइट स्पीकर है जो काफ़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। सामने की तरफ ग्लॉसी और बाकी जो बॉडी है वो मैट फिनिश में आता है। तो साइड ये वुड है, जैसे कि प्लाईवुड होता है। तब बात कर लेते हैं मेन ऊपर की। तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट और यहाँ पे एक SD कार्ड स्लॉट मिलता है, जो बड़ा जो SD कार्ड होता है उसी को ही सपोर्ट करता है। तो ये है बैक पैनल जहाँ पे आपको सारा पोर्ट्स दिखने को मिलता है, पावर केबल, उसके बाजू में ये पावर ऑन ऑफ बटन। तो इसमें इनबिल्ट FM आता है, इसलिए यहाँ पे एक आप एंटेना वायर देख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट आउटपुट आपको मिलता है दो, ये ऊपर का जो है इनपुट के लिए और ये चारों जो है आउटपुट। तो आपको सबसे पहले ये चारों सैटेलाइट स्पीकर का जो कनेक्टर है इसे कनेक्ट कर लेना है। हम कनेक्ट कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। और ऊपर का जो है, अगर आप ऑक्स केबल के थ्रू इसे चलाते हैं तो इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। ये ऊपर का जो है इनपुट है, तो इसे यहाँ पे प्लग करना है। और ये आपका 3.5 mm जैक, जो मोबाइल या आपका जो भी आउटपुट है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें ये 3.5 mm जैक लग जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं रिमोट कंट्रोल का। तो रिमोट जो है बहुत ही छोटा, कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाइट वेट है। यहाँ पर आपको पावर, म्यूट और कुछ और भी ऑप्शन है, प्रीवियस, नेक्स्ट, इक्विलाइजर, इनपुट और एक जो है बाकी सब कंट्रोलर है। यहाँ से आप अगर SD कार्ड से प्ले कर रहे हैं तो यहाँ से आप फुल कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना नंबर जो गाना है आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस और प्ले पॉज, वॉल्यूम, नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। जेब्रोनिक्स का बैंडिंग यहाँ पे, और ये है बैटरी स्लॉट जो आपका जो AAA बैटरी है उसे सपोर्ट करता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक RGB लाइट मिलता है जिसका कंट्रोल शायद आपके हाथ में नहीं है। हाँ, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक जो है ब्लिंक करता रहता है। तो यहाँ पे सबवूफर जो है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
यहाँ पे जो डिस्प्ले है छोटा सा आप देख सकते हैं, ये ऑक्स में है अभी। तो अब मोड बटन चेंज करके यहाँ से ब्लूटूथ में जा सकते हैं, एफएम में जा सकते हैं, फिर ऑक्स में। तो तीन मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप यूएसबी से चलाते हैं तो ये प्लग एंड प्ले है। अगर जब भी आप इसे यूएसबी में कोई भी डिवाइस डालते हैं तो वो डायरेक्ट उसी को ही प्ले करता है। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो स्पीकर जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो हम इसका साउंड का टेस्ट करते हैं। ठीक है, साउंड वॉल्यूम हमने कम कर लिया है। तो अब हम इसे साउंड को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि कैसे साउंड इसका आ रहा है। तो दोस्तों साउंड जो है बेहतरीन है, काफ़ी लाउड है और काफ़ी क्लियर भी है। फुल साउंड में ऐसा नहीं कि जो साउंड का क्वालिटी है वो डाउन हो रहा है, फुल साउंड में भी इसका जो साउंड का क्वालिटी है वो बरकरार है। जो बेस है जो मैं अभी पीसी से या यूट्यूब से डायरेक्ट एनसीएस प्ले कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो आपको पता भी है जो एनसीएस का जो बेस होता है वो कम होता है। अगर आप कोई और सॉन्ग प्ले करेंगे तो काफ़ी अच्छा साउंड आएगा। तो अभी जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, साउंड काफ़ी ठीक ठाक है इस प्राइस में। ये लगभग आपको 3,500 में मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन का मैं बता नहीं सकता। तो ऑफलाइन में ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में अभी मिल रहा है। और अगर आपको स्पीकर अच्छा लगता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन ही से परचेस करें, क्योंकि ऑफलाइन में इसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा रहता है, आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि ये स्पीकर आपको कैसा लगा। अगर मेरे इस वीडियो में कुछ और भी होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूव हो सकता है इस वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।